क्या आप लोग याओ वुमेन के बारे में जानते हैं? ये वही वुमेन है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था और आप देख सकते हैं अपने बालों की वजह से फेमस हैं कि उम्र तक बढ़ते रहते हैं और ना कि सिर्फ बढ़ते हैं बल्कि थिक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए अपने फेमस हैं। तो ये अपना क्रेडिट अपने ट्रेडिशन को देते हैं कि फर्मेंटेड राइस की वजह से हैं जो वो लोग यूज़ करते। आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जिनकी हेयर ग्रोथ रुक गई है, जो अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और वो रुक गई है, और जो लोग अपनी ग्रोथ को ना भी बढ़ाना चाहें और तेज़ करना चाहें उनके लिए है, जिनके बाल खराब हो गए हैं उनके लिए है। ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, ये बहुत ही आप ईजीली ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। सब लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जो जिन लोगों के लिए ये है एप्लीकेबल वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जिनके लिए नहीं है वो क्यों नहीं है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में। कोई भी चीज़ एप्लीकेबल करने का वाला फर्स्ट रूल होता है उसको सुना जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। तो आज मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो राइज होता है कि चावलों का पानी किस तरह हमारे बालों के लिए अच्छा हो सकता है। आपको पता होगा चावलों के अंदर प्रोटीन होता है, तो जो प्रोटीन की एक लेयर होगी चावलों के अंदर वो आपके बालों पे रह जाएगी, तो वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगी और वो आपके आपके बालों की नरिशमेंट करेगी, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इट्सेल्फ बाल हमारे प्रोटीन है और फर्मेंटेड राइस यूज़ करेंगे वो प्रोटीन है, और उसकी कोटिंग होने से आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे और आपके बालों की रिकवरी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। अक्सर लोगों जगहों पर रह रहे होते हैं उनका पानी हार्ड वाटर हो जाता है। हार्ड वाटर मतलब उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये इशू होता है कि वो सॉल्ट बालों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये रिजल्ट आता है कि उनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, उसकी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है, बाल घिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट होता है। राइस वाटर उनके लिए क्या करता है कि वो प्रोटीन की लेयर कोटिंग जब उनके बालों के ऊपर होगी तो उनके वो जब वो बाल वॉश करेंगे उस हार्ड वाटर से तो वो उसके सॉल्ट्स बालों के अंदर नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी आपके बालों पे लगा होगा, उससे कवर कर देगा, एक शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की का काम करेगा यहाँ पे आपके राइस वाटर हार्ड वाटर के अगेंस्ट। तो वो जब सॉल्ट आपके बालों पे लगेगा तो वो उसको इफेक्ट नहीं कर देगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनके घरों में हार्ड वाटर आता है, जिन जगहों पर वो रह रहे हैं वहाँ पर ऐसा पानी है, तो उनके लिए राइस वाटर एक्सीलेंट, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आएगा, आप शॉक रह जाएंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स आपके आएंगे। जो लोग राइस वाटर का यूज़ अच्छे तरीके से करेंगे, अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह लगा के इसको वॉश करेंगे, तो उनको कोई भी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड इशू है या हेयर का कोई भी इशू है तो उसको रिजॉल्व कर देगा, और जिनका कोई इशू आने वाला होगा उससे उसको आने नहीं देगा और उसको उस चीज़ से प्रोटेक्ट भी करेगा। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कौन सा मेथड किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून जब आपने राइस लेने हैं उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना। अच्छा, जब आपने पानी जो पानी आपने वॉश कर लिया फेंक लिया, अब उसने पानी सोक करने के लिए ओवरनाइट रख दिया, आप एक कंटेनर में लेके रख सकते हैं, तो उसका जो पानी होगा ना वो आपने पीने वाला पानी यूज़ करना, जो आप रेगुलरली पीते हैं वो वाला। हार्ड वाटर आता है तो बिल्कुल मत यूज़ करें, क्योंकि हार्ड वाटर जो है चावलों की पोटेंसी उसकी ताकत को कम कर देगा, तो इस वजह से आपने अपना रेगुलर पीने वाला पानी यूज़ करना होगा। ओवरनाइट चावल रखने से वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पानी में आ जाएंगे, आपका पानी जो है ट्रांसल्यूसेंट सा वाइट सा हो जाएगा, और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना। नहाने से 1 घंटा पहले आपने बालों को लगाना है, बालों पे लगाना है चावल के पानी को, अपने स्कैल्प से लेके रूट्स पूरे बालों पे प्रॉपरली लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ऑयलिंग भी की है तो उसके ऊपर भी आप लोग ये लगा सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं। अच्छा, ये वो लोग करेंगे जिन्होंने अपने बाल स्लोली ग्रोथ करनी है, तो जिनके हाई पोरोसिटी बाल हैं वो लोग वीक में एक दफ़ा करेंगे, जिनकी लो पोरोसिटी बाल हैं वो 15 दिनों के बाद करेंगे। और पोरोसिटी आपके बालों की आपको कैसे पता चलेगी, तो ये मैंने आपको पिक्चर शेयर किया, वो देखें, इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है। और अगर आप लोग क्विकली रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो हाई पोरोसिटी वाले जो लोग हैं वो लोग अल्टरनेटिव डेज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका।
मेथड नंबर टू उन लोगों के लिए जिनके बाल लो टू मीडियम पोरोसिटी पे हैं। अगर आप लोगों के बाल बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं, टैंगल्ड और रफ और बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो ये प्रोसीजर बिल्कुल आपके लिए, ये मेथड आप फॉलो करेंगे। उसमें ये होगा कि सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। 3 टेबल स्पून आपने राइस लेना है, उसको अगेन वॉश करके ओवर नाइट सोक करने के लिए पानी में रख देना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो फिर से वो, जब सुबह आप बॉटल को खोलेंगे तो सेम वैसे ही वाइट सा हुआ होगा पानी। आपने उस पानी को एक अलग जार में डाल लेना है और जारों को सेपरेट करके साइड पे रख देना है। आपने उस पानी को अलग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें एसेंशियल ऑयल, जो जैसे कि आपके पास टी ट्री ऑयल हो या रोजमेरी ऑयल या कोई भी जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसमें नींबू का छिलका या पील डाल लेना। ये नेसेसरी नहीं है, अगर एक्सेप्शनल है आपने अगर है तो आप डालें, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि हम ये पानी को दोबारा 48 आवर्स के लिए रख देंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे तो इसमें एक हल्की सी स्मेल हो जाएगी उसको ख़त्म करने के लिए। फिर आपने 48 आवर्स के बाद अच्छी तरह अपने बालों में पूरे को लगा लेना है और ये आपके बालों को सिल्की स्ट्रेट और स्मूथ लुक दे। आप ये मेथड जब फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा स्मूथ शाइन और सिल्कीनेस आपके बालों में आएगी। लो टू मीडियम पोरोसिटी वाले 15 दिन में एक दफ़ा इस प्रोसीजर को करेंगे और जो है हाई पोरोसिटी वाले वो लोग वीक में एक दफ़ा जरूर। मेथड नंबर 3, इसमें आपने क्या करना हो, ये अगेन उनके लिए लो टू मीडियम पोरोसिटी वाले करेंगे 15 दिन में, एक हाई पोरोसिटी वाले करेंगे एक दफ़ा। ये आप सब लोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। इसमें ये करना होगा कि आपने चावलों को 3 स्पून चावल लेने हैं, उसको आपने बॉयल करना है। इसमें बॉयल करते हुए जो पानी आप डालते हैं उतना नहीं डालना है, इससे ज़्यादा डालना है और उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करके जो पानी होगा, जो पिच हम कहते हैं, उसको आपने उतार लेना है। जो पिच का पानी होगा वो आपने अपने बालों पर लगाना है। इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ये बालों पे कोट कर देगा स्टार्च का। ये आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट। बालों के स्कैल्प से लेके बालों के एंड रूट्स तक और स्ट्रैंड्स पे अच्छी तरह लगाना है। आपके डूज एंड डोंट्स बता दिए आपको, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसने फॉलो करना है, कब करना है और कितनी ड्यूरेशन के। अगेन 1 आवर के लिए लगाना है उसके नहाने से पहले, फिर उसके बाद नहाना है। ऑयलिंग की हुई है तो भी उस पर लगा सकते हैं, या आपको बहुत ज़बरदस्त और मैजिकल रिजल्ट्स देगा। ब्यूटीफुली आपके बालों की ग्रोथ होगी और बहुत नाइसली आपके बालों की एक लुक बहुत अच्छी लगेगी। आपको पार्लर जाके कोई भी प्रोटीन मास्क, कैराटिन कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत, आप बस इसको फॉलो करेंगे। इजीली और कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल है, तो आपके बालों का रिजल्ट आपको पता चलेगा। पार्लर में भी कितने ज़्यादा सेशंस लेते हैं तो कहीं जाके आपके बालों की बेटरमेंट होती है। इसमें यह है कि आपके बालों की आपको फर्स्ट अटैम्प्ट से ही पता चल जाएगा आपके बालों की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है, आपके बाल कितने अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये आपके लिए मेडिकल है। राइस वाटर बहुत ज़्यादा बालों के लिए डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मेडिकल एंड इट्स प्रोटीन और फुल ऑफ स्टार्च है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने रेमेडी फॉलो किया, फिर उसको इसका क्या इफेक्ट करेगा। बस डू ट्राई दिस रेमेडी, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।